हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स सीड एमबीपीएस। टुडे आवर टॉपिक इज टंग। टंग बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीनों पार्ट्स के अलग अलग वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आज हम मैं इसके बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन, उसके एक्सटर्नल फीचर्स और पैपिली। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन। तो टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। कहाँ प्रेजेंट होता है? साइड। तो ये बकल कैविटी में, फ्लोर ऑफ माउथ में प्रेजेंट है। एंड फंक्शंस, तो इसके चीफ फाइव फंक्शंस हैं: चीविंग, स्पीच, डेग्लिडेशन दैट इज स्वॉलोइंग, एंड क्लिंजिंग ऑफ माउथ एंड टेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स से। उसके फर्स्ट देखते हैं पार्ट्स। तो उसके थ्री पार्ट्स होते हैं: रूट, टीप एंड बॉडी। रूट और टिप के बीच में रहेंगी बॉडी। टिप एंटीरियर एंड बनाता है एंड टिप इज फ्री। जो रूट होता है वो पोस्टीरियर एंड बनाता है एंड पोस्टीरियर एंड दैट इज रूट इज नॉट फ्री। वो अपर साइड से अटैच होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट से, और वो लोअर साइड से अटैच होता है मैंडिबल और हायोइड बोन से। जो बॉडी होती है, जो सेंटर में बॉडी है उसकी, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। उसके दो सरफेस होते हैं, अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। अपर सरफेस को हम डॉर्सम भी बोलते हैं, वो कॉन्वेक्स होता है, कर्व सरफेस होता है, और जो लोअर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस, वो स्मूथ होता है। जो पूरा डॉर्सम है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओरल पार्ट एंड फेरेंजियल पार्ट, और एक तीसरा पार्ट भी होता है एकदम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो कि स्मॉल होता है। जो इन्फीरियर सरफेस था बॉडी का, वहाँ पे दैट इज़ कन्फाइंड टू ओनली ओरल पार्ट। वहाँ पे कोई फेरेंजियल पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओरल पार्ट ही रहता है उसका। अब देखते हैं डिटेल में ओरल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को। सो स्टार्ट करते हैं ओरल पार्ट से। ओरल पार्ट फॉर्म्स द एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, एंड ओरल पार्ट को हम पैपिलरी पार्ट भी बोलते हैं पैपिला के प्रेजेंस के कारण। यहाँ पे काफ़ी सारे पैपिला होते हैं, लेकिन ओरल पार्ट के जो अपर सरफेस होते हैं वहाँ पे पैपिला रहेगा और वो रफ होता है। उसके ओरल पार्ट में सेंटर से एक जाता है मीडियन ग्रूव। ओरल पार्ट के इन्फीरियर सरफेस का जो ओरल पार्ट है वो स्मूथ रहेगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन वो रफंड नहीं होता है। इन्फीरियर सरफेस के ओरल पार्ट में भी एक मीडियन फोल्ड होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वे। अब इस फ्रेन्यूलम लिंग्वे के बाजू में होते हैं दो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स, जो कि ब्लू कलर के डायग्राम में आप देख सकते हैं। वो होते हैं डीप लिंग्वल वेन के, दोनों रहते हैं दोनों साइड में। उन डीप लिंग्वल वेन के बाजू में होते हैं जो फॉरवर्ड और मीडियली रन करते हैं, उन्हें कहते हैं, वो भी एक फोल्ड होते हैं, उसे बोलते हैं प्लिका फिम्ब्रियाटा। सेकेंड पार्ट है फेरेंजियल पार्ट। अब फेरेंजियल पार्ट जो होता है ये फॉर्म करता है पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट। अब एक पॉइंट है कि फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट वो डिवाइडेड होते हैं बाय अ वी शेप्ड ग्रूव या वी शेप्ड सल्कस, उसे हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। इसी से ये दो पार्ट डिवाइडेड होते हैं। सल्कस टर्मिनालिस के सेंटर में होता है फोरामेन सीकम, मतलब उसके दो जो लिम्स होते हैं वी शेप ग्रूव के, वो मीट होते हैं फोरामेन सीकम में। फोरामेन सीकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्ब्रियो में ये जो फोरामेन सीकम होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ से थायरॉइड डाइवर्टिकुलम नीचे एम्ब्रियो में ग्रो हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि जो इस दो वी लिम्स होते हैं, वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस के जो लिम्स होते हैं वो कैसे रन करते हैं, फॉरवर्ड एंड लैटरली ऐसे रन करते हैं वो। तो लैटरली जहाँ पे वो एंड होते हैं वहाँ पे वो होता है पैलेटोग्लॉसल आर्क, वो उसका एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो एंड होते हैं, पैलेटोग्लॉसल आर्क के पास वो एंड होते हैं, और पैलेटोग्लॉसल आर्क के सामने होते हैं 4 to 5 फोलिएट पैपिली। बहुत ही एक अलग टाइप के पैपिली होते हैं, लीफ शेप्ड वो होते हैं फोलिएट पैपिली। अब जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट था, फेरेंजियल पार्ट, वहाँ पे पैपिली एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे पैपिली प्रेजेंट नहीं रहेंगे, और वहाँ पे लेकिन होते हैं कुछ लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं। ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स उसे इतना रफंड एरिया नहीं देते हैं। ये सारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स मिला के बनाते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, और यहाँ पे कुछ म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं।
थर्ड पार्ट था इसका स्मॉल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. इसका इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, बट स्मॉल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है वो अटैच होता है कुछ एक फोल्ड से, एपिग्लॉटिस से. और तीन टाइप के फोल्ड्स होते हैं, मीडियन, ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, और दो लैटरल होते हैं, एक राइट लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड और एक लेफ्ट लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से कि कैसे सारे तीनों फोल्ड्स हैं. अब जो मीडियन और लैटरल के बीच में एक डिप्रेशन फॉर्म्ड होता है उसे बोलते हैं वैलिक्यूला. सारे आप डायग्राम में देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि पिरिफॉर्म फोसा से सेपरेटेड रहता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ आर वीडियो, पैपिली. पैपिली ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है और इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. बट ये फोल्डेड स्ट्रक्चर किसके है? तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर म्यूकस मेम्ब्रेन के होते हैं, जो ओरल एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे. और ये फोल्डेड है स्ट्रक्चर्स है म्यूकस मेम्ब्रेन के या फिर कोरियम के. जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ मतलब जो टंग है, ओरल पार्ट है, वो रफ क्यों होता है? इनके कारण ही वो रफ होता है. तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ पैपिली. फर्स्ट है सर्कमवैलेट, या उसे सिर्फ वैलेट पैपिली भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका साइज. तो ये लार्जेस्ट होता है और 1 to 2 millimeter का होता है. नंबर, तो ये सिर्फ 10 या 12 होते हैं नंबर में. प्रेजेंट कहाँ होता है? साइट, तो ये सल्कस टर्मिनालिस के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है. लास्ट पॉइंट है इसका अपियरेंस. तो ये कैसा होता है? ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जैसा होता है. ये लार्जेस्ट होता है सब में. सेकंड है फंगीफॉर्म पैपिली. फंगीफॉर्म पैपिली ये न्यूमरस होते हैं. कहाँ पे? टिप में टंग की और उसके मार्जिन्स में ही होते हैं, एंटीरियर साइड में ही होते हैं और टिप्स में होते हैं, और कुछ डॉर्सम में भी होते हैं, लेकिन मेन इनका साइट याद रखना है टिप्स एंड मार्जिन्स में. ये स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू वैलेट पैपिली, बट लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू अपन थर्ड देखेंगे फिलीफॉर्म पैपिली से. तो इसका साइज मीडियम रहेगा. ये जो रहते हैं, इनका अपियरेंस होता है राउंड हेडेड होते हैं ये. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट फंगीफॉर्म पैपिली, इसका होता है अपियरेंस ये मार्क्ड होते हैं बाय ब्राइट रेड कलर. सामने तरफ की डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्राइट रेड कलर दिखेगा, एज वेल एज इनका हिस्टोलॉजी का भी डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है और एक्सप्लेन किया है. थर्ड होता है फिलीफॉर्म पैपिली, इसे कोनिकल पैपिली भी बोलते हैं. ये लार्जेस्ट इन नंबर है एंड स्मॉलेस्ट इन साइज है. सबसे छोटा साइज होता है इनका और सबसे ज़्यादा नंबर होता है, न्यूमरस होते हैं. ये होते हैं प्रेजेंट सल्कस, जो होता है ना सल्कस टर्मिनालिस, उसके जस्ट सामने पूरे डॉर्सम को कवर करते हैं. तो उसको बोलते हैं प्री सल्कस एरिया ऑफ डॉर्सम, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं. इनका वही शेप कोनिकल थोड़ा सा रहेगा, स्मॉलेस्ट रहते हैं एंड न्यूमरस होते हैं. लास्ट होते हैं फोलिएट पैपिली. फोलिएट पैपिली नेम सजेस्ट, लीफ शेप्ड होते हैं और ये हमने देखा था 4 to 5 ही होते, ज़्यादा नहीं होते नंबर में. और ये पैलेटोग्लॉसल आर्क बोलो या सर्कमवैलेट पैपिले बोलो, उनके सामने प्रेजेंट होते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर टंग. एंड इसमें मैंने कवर किया था एक्सटर्नल फीचर्स, बेसिक्स एंड पैपिली. होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.